रिसेंटली मैंने अपने चैनल पे एक वीडियो पब्लिश की SEO मिस्टेक्स के बारे में एंड बहुत लोगों ने उसको लाइक किया। तो बेसिकली वो सेकंड वीडियो थी मिस्टेक्स के ऊपर। आज एक और वीडियो बना रहा हूँ मिस्टेक्स के ऊपर कि किन मिस्टेक्स को 2024 में आपको अवॉइड करना है। और गुलाम अली SEO YouTube चैनल के ऊपर आपको वो कॉन्टेंट देखने को मिलेगा जो आपको किसी और चैनल के ऊपर देखने को मिलेगा भी नहीं। तो आज जिन मिस्टेक्स की मैं बात करने वाला हूँ उसमें सबसे नंबर वन पे है कि अपनी वेबसाइट पे रैंडम टॉपिक्स को डिस्कस करना। रैंडम से मुराद क्या है? आपने कोई एक टॉपिक डिसाइड नहीं किया अपनी वेबसाइट के लिए। आपका दिल करता है आप डॉग्स पे वेबसाइट बना देते हैं, दिल करता है फर्नीचर पे आर्टिकल्स लिख देते हैं, दिल करता है LED लाइट्स पे आर्टिकल लिख देते हैं। दैट मीन्स एक रेंज डिफाइन ही नहीं किया आपने कि आपने इस जोन में रह के काम करना है, उस निश पे रह के काम करना है। तो होता क्या है, टॉपिकल अथॉरिटी बिल्ड नहीं होती। टॉपिकल अथॉरिटी कब बिल्ड होती है? जब एक ही टॉपिक के ऊपर आप डोमिनेट करो ज्यादा कंटेंट पब्लिश करके। गूगल को ऐसा लगता है इस टॉपिक के ऊपर ये बंदा सबसे ज्यादा टॉपिक कवरेज कर रहा है, सबसे ज्यादा एक्सपर्टीज रखता है। तो उसके लिए स्ट्रॉन्ग रिसर्च करनी पड़ती है। अब कीवर्ड रिसर्च पे तो पहले बहुत सारी डिस्कशन हो चुकी है, यहाँ पे वीडियो लिंक करूँगा, उसको वॉच कर सकते हैं। नंबर टू पे है इमेजेस को इग्नोर करना। ठीक है, आपके आर्टिकल में एक इमेज होती है, आप लोग फीचर्ड इमेज ऐड करते हैं, दैट्स गुड। लेकिन अगर एक 1500-2000 वर्ड का आर्टिकल है जिसके अंदर इतना टेक्स्ट है कि कोई दूसरे पैराग्राफ के बाद आगे जाने का जिसका दिल भी नहीं करेगा वो कैसे पूरे कंटेंट को रीड करेगा, कंज्यूम करेगा, अगर उसके अंदर आपने इमेजेस ऐड करके उसको एंगेजिंग नहीं बनाया। इमेजेस ऐड करने से आपकी कन्वर्जन बढ़ जाती है। इमेजेस ऐड करना बेसिकली कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन की एक टेक्निक है जिसमें हम वॉल ऑफ टेक्स्ट को कम कर देते हैं। दैट मीन्स दो पैराग्राफ्स के बाद एक इमेज आ जाए, यूजर की जो आईज हैं वो रिलैक्स्ड फील करती हैं। ये बहुत बड़ी साइकी है। आप किसी भी बड़ी वेबसाइट के आर्टिकल्स को ओपन करके देखिएगा, चाहे वो छोटे से छोटा टॉपिक क्यों ना आपको मल्टीपल पिक्चर्स उसमें मिलेंगी, ये कन्फर्म बात है। मिस्टेक नंबर थ्री है साइट का बैड डिज़ाइन बनाना। हाँ, इनिशियली जब आपकी वेबसाइट पे कोई ट्रैक्शन नहीं, कोई यूज़र नहीं है, आप सिंपल डिज़ाइन से काम चला सकते हो, बाद में अपडेट करते रहो। लेकिन अगर आप चेंज ही ना करो और यूज़र आए और उसको आपकी वेबसाइट पसंद ना आए, क्योंकि यूज़र मैट्रिक्स काउंट होंगे, गूगल देखेगा एक विजिटर आया, कब जा रहा है, कितना स्क्रॉल कर रहा है पेज को, हर चीज़ ट्रैक होती है। तो डिज़ाइन बहुत ज़्यादा मैटर करेगा। अब डिज़ाइन कैसे बना सकते हैं? फ्री थीम्स के साथ बहुत मुश्किल है, उसके लिए आपको पेड थीम की ज़रूरत पड़ती है। तो पेड थीम अगर आपको चाहिए मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ, उसके लिए आपने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा SEM रश का, उसके ट्रायल पे जाना है, ट्रायल बनाना है। कन्फर्म ट्रायल आपको जब ईमेल आ जाएगी कि आपने बना लिया है उसका स्क्रीनशॉट मुझे सेंड कर देना और साथ में लिख देना है जनरेट प्रेस थीम, आपको थीम मिल जाएगा विद लाइसेंस की एंड पेड प्लगइन। एंड तरीका होगा उसमें कि कैसे उसको यूज़ करना है। और अगर आपको डिज़ाइन नहीं करना आता, डिज़ाइन कैसे करना है, तो यहाँ पे एक वीडियो लिंक करूँगा, उसको वॉच कर सकते हैं। तो बैड कंटेंट के अंदर क्या चीज़ें आ जाती हैं, कुछ चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। एक तो फ़ॉन्ट बड़ा बुरा यूज़ करेंगे, ऊपर से वो छोटा होगा, दैट मीन्स वो रीडेबल ही नहीं होता, पढ़ा ही नहीं जाता। फिर टेक्स्ट का जो लेआउट होता है वो बहुत वाइड होता है, तो हमारी आईज जो हैं वो वाइड लेआउट को डिसलाइक करती हैं। ये सबकॉन्शियसली हो रहा होता है सब कुछ। आप अभी जाओ forbes.com की वेबसाइट खोल के देखो, आपको बॉडी छोटी सी मिलेगी उसकी। उसकी वजह क्या है? ताकि जो आईज हैं उनको ज़्यादा इधर उधर मूव ना करना पड़े। फिर इमेजेस बहुत स्मॉल यूज़ की जाती हैं, पैराग्राफ्स के दरमियान में जो लाइन हाइट होती है वो बहुत कम होती है, आपस में बिल्कुल जुड़े हुए एक दूसरे के ऊपर चढ़े होते हैं, हेडिंग्स में स्पेस नहीं होती, कलरफुल एलिमेंट्स बहुत ज्यादा लैग करते हैं। तो डिजाइन में छोटी से छोटी डिटेल बहुत ज्यादा मैटर करती है। अगली सबसे बड़ी मिस्टेक है पब्लिशिंग इनकंसिस्टेंटली। दैट मींस दिल किया तो पब्लिश कर लिया आज, दिल किया तो अगले महीने पब्लिश करेंगे, कोई फ्रीक्वेंसी है ही नहीं पब्लिशिंग की। तो मैं पहले भी काफी एक्सप्लेन कर चुका हूं इसकी साइकी को कि गूगल कैसे इस चीज को पिक करता है। आप एक आर्टिकल पब्लिश करते हैं अपनी वेबसाइट पे, गूगल को एक पिंग जाती है कि इस वेबसाइट पे कुछ नया आया है, क्रॉलर आएगा, दूसरा आर्टिकल, तीसरा आर्टिकल, जितने ज्यादा आर्टिकल्स हैं उतनी ज्यादा पिंग्स जाएंगी, गूगल आएगा बार बार आपकी साइट को विजिट करेगा, क्रॉलिंग स्पीड बढ़ जाएगी साइट की और अल्टीमेटली रैंकिंग फास्ट हो जाएगी एक नई वेबसाइट के ऊपर, क्योंकि क्रॉलर जल्दी नहीं आ रहा होता, इसीलिए ना तो वो जल्दी इंडेक्स होती है ना जल्दी रैंक होती है। ये है वो रीजन जिसको आप लोग सैंडबॉक्स बोलते हैं। तो अगर अपनी वेबसाइट की आपको रैंकिंग के प्रोसेस को फास्ट करना है ना, उसमें से एक चीज तो ये है कि आप कंसिस्टेंटली पब्लिश करना शुरू कर दो। अगली मिस्टेक है टॉपिकल अथॉरिटी को इग्नोर करना। तो अभी मैंने स्टार्ट में एक्सप्लेन किया कि टॉपिकल अथॉरिटी का मतलब ये होता है कि आपका टॉपिक, आपकी वेबसाइट एक टॉपिक के ऊपर इतना कंटेंट कवर कर लेती है, गूगल को कोई और वेबसाइट मिलती ही नहीं है जो इतना ज्यादा कंटेंट एक टॉपिक के ऊपर कवर कर रही हो। तो अल्टीमेटली वो सारे आर्टिकल्स जब आप इंटरलिंक करते हैं तो एक क्लस्टर बनता है टॉपिकल अथॉरिटी का, जिसको गूगल इतना ज्यादा लाइक करता है और गूगल इसी तरह से उसको समझता है कि हाँ यार ये तो कंटेंट बहुत वैल्यूएबल है, क्योंकि उसको डिफरेंट रिलेटेड पेजेस से इंटरलिंक्स आ रहे होते हैं। टॉपिकल अथॉरिटी के लिए टॉप लेवल की रिसर्च करनी पड़ती है। रिसर्च करने के लिए एक ही टूल आपके काम आएगा, Ahrefs का। स्क्रीन पे एक नंबर आ रही है, सेलर ट्रस्टेड, आप इससे ले सकते हो। अगली मिस्टेक है अपने पेज
पेज पे कम कंटेंट को टारगेट करना। दैट मींस आप लोग अक्सर क्वेश्चन पूछते हैं कि हमारे पेज का वर्ड काउंट कितना होना चाहिए। वर्ड काउंट कम अगर होगा उसका नुकसान क्या, अगर ज्यादा होगा उसका फायदा क्या होता है, आज सुन ले। एक पेज जितना ज्यादा कंटेंट कवर करेगा वो उतने ही ज्यादा कीवर्ड्स पे रैंक करेगा। LSI का कॉन्सेप्ट आपने सुना होगा, लेटेंट सिमेंटिक इंडेक्सिंग का, जिसका मतलब ये होता है कि एक पेज आपके मेन कीवर्ड के ऊपर ही रैंक नहीं कर रहा होता, वो साथ में रिलेटेड टर्म्स, रेलेवेंट टर्म्स, जिनका मतलब और मकसद सिर्फ सेम होता है बट उनको डिफरेंट तरह से डिफरेंट एरियाज में सर्च किया जा रहा होता है, गूगल उनको मर्ज कर देगा उस एक पेज के लिए अगर आपने इतना अच्छा ऑप्टिमाइज्ड कंटेंट लिखा हुआ है। तो ऑप्टिमाइज्ड कंटेंट कैसे लिखा जाता है, हैंड रिटन की अगर बात करें, यहाँ पे एक वीडियो लिंक करूंगा, उसमें आप देख सकते हो आप खुद कंटेंट कैसे लिख सकते हो, ऐसा कंटेंट जो सर्च में भी रैंक करेगा और यूजर को भी पसंद आएगा। अगली बड़ी मिस्टेक है नॉट अर्निंग बैकलिंक्स। दैट मींस कि आप अपनी वेबसाइट के लिए बैकलिंक्स अर्न नहीं कर पाते। बाय करना इज अनदर थिंग, अर्न करना इज अनदर थिंग। कैसे अर्न होते हैं बैकलिंक्स? अर्न करने के लिए आपको मैं कुछ टिप्स देता हूं। आपने अपनी वेबसाइट पे आर्टिकल्स पब्लिश करते हुए कुछ ऐसे आर्टिकल्स पोस्ट करने हैं जो बैकलिंक्स अट्रैक्ट कर सकते हैं। पोटेंशियल जर्नलिस्ट्स आपके उस कंटेंट की तलाश में होते हैं। कैसा कंटेंट? या तो किसी ट्रेंडिंग न्यूज पे कंटेंट पब्लिश करें, स्टैटिस्टिक्स पे कंटेंट पब्लिश करें, अपनी पर्सनल रिसर्च करके उस पे कंटेंट पब्लिश करें। अब पब्लिश करके छोड़ देने से कभी लिंक्स नहीं मिलेंगे। देखें, जब तक वो टॉप पे नहीं जाएगा लोगों को मिलेगा नहीं, तब तक उस कंटेंट को लोग लिंक नहीं करेंगे। तो डिस्कवर कैसे करेंगे लोग? आप उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे डिफरेंट चैनल्स के थ्रू। इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो मैं बनाने जा रहा हूं, आप सब्सक्राइब कर लें चैनल को ताकि आप उसको वॉच कर सकें। अगली बड़ी मिस्टेक है अपने कंटेंट को अपडेट ना करना। हम लोग सिर्फ इस स्ट्रगल में होते हैं, जल्दी से जल्दी नया नया कंटेंट पब्लिश करते जाएं, पुराने आर्टिकल्स सर्च से निकलते जाते हैं, नए आर्टिकल्स सर्च में आना शुरू हो जाते हैं। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि पुराना कंटेंट गायब हो रहा है, वेस्ट हो रहा है, नया कंटेंट आता जा रहा है, आप नई इन्वेस्टमेंट करते जा रहे हैं। अब अपने पुराने कंटेंट को रिवाइव कैसे कर सकते हैं? आपको एक ही चीज की जरूरत पड़ेगी, वो है सर्च कंसोल। सर्च कंसोल इज द आंसर फॉर योर ओल्ड कंटेंट के कैसे उसको अपडेट करके नए कीवर्ड्स जिनके ऊपर वो रैंक कर रहा है प्लस उन्हीं कीवर्ड्स के लिए जिनके लिए लिखा गया है उस पर दोबारा रैंकिंग कैसे मेंटेन करनी है, ये आपको वेब मास्टर बताएगा। फाइनल SEO मिस्टेक क्या होती है? जल्दी क्विट कर देना। दैट मींस आपने सिर्फ एक माह का माइंडसेट रख के अपनी साइट के ऊपर एफर्ट की थी कि यार मैं बस देखता हूं जल्दी से ये एक दो आर्टिकल्स पब्लिश करके देखता हूं, लेकिन पूरी स्ट्रेटजी को एग्जीक्यूट ना तो किया ना उसको टाइम दिया कि वो सर्च में अपनी जगह बना सके। तो ये याद रखना है आपने, जो आर्टिकल आज पब्लिश होगा वो आने वाले अगले 6 माह लेगा मैच्योर होने के लिए, जो आर्टिकल 1 माह बाद पब्लिश होगा वो उस पॉइंट से अगले 6 माह लेगा मैच्योर होने के लिए। तो अब आप खुद बताएं मुझे कि आपने किस स्पीड के साथ कंटेंट पब्लिश किया था। जिस स्पीड से पब्लिश हुआ था उसी स्पीड से रिजल्ट्स को एक्सपेक्ट करें, आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे अपनी साइट के साथ। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। वीडियो को लाइक कर देना और प्रीवियस बैच की रिकॉर्डिंग्स के गिवअवे में अगर पार्टिसिपेट करना है तो इंस्टाग्राम के ऊपर अनाउंस करने वाला हूं, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहां से उसको ज्वाइन करें, वहां से इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर लें और वहां से अपडेट्स आपको मिल जाएंगे कि कैसे पार्टिसिपेट करना है। दैट्स इट, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।